बलौदाबाजार जिला में डबरी किनारे मिली युवती की लाश मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। असल में उस युवती की हत्या उसके बॉयफ्रेंड ने किया था। दोनों शादी करने के लिए घर से निकले थे, मगर बीच में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। फिर युवक ने राड़ से हमला कर युवती की जान ले ली थी। मामला पलारी थाना क्षेत्र का है। गीतपुरी पलारी मार्ग से करीब 100 मीटर की दूरी पर कौड़िया गांव का मुक्ति धाम है, जहां रविवार सुबह कुछ लोग अपने खेत में काम करने गए थे। इसी बीच एक किसान को जब डबरी किनारे से बदबू आता वह आभास हुआ तो उसके नजदीक जाकर देखा था, इस पर एक लड़की का शव पाया गया। पुलिस को सूचना दी गई थी, आसपास कुत्ते भी थे। लड़की शव आधे मुंह जमीन पर पड़ा था। जब पुलिस सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। सुरात में पुलिस ने युवती के बारे में जानकारी मिल पा रही थी। इस बीच फॉरेंसिक टीम ने युवती के शव की पड़ताल की तो उसके जेब से एक आधार कार्ड मिला था। आधार कार्ड के आधार पर युवती की पहचान तुरमा निवासी आसमा मनहरे पिता धर्म मनहरे के रूप में हुई। युवती के परिजनों को बुलाया गया। उनके परिजन मौके पर पहुंचे, उनसे पूछताछ की गई। उन लोगों ने बताया कि आसमा का प्रेम प्रसंग पास के ही मिर्गी गांव में रहने वाले दिनेश सेन पिता जितेंद्र सेन उम्र 22 साल से चल रहा था। परिजनों ने बताया कि दोनों के बीच लगभग 4 सालों से प्रेम संबंध था। लड़की 29 जून की रात से गायब थी। घर वालों ने पता करने की कोशिश की तो कहीं पता नहीं चल पाया था। तो वे लोग दिनेश के घर भी गए, किंतु दिनेश घर पर था इसलिए उस पर शक नहीं हुआ। इसके बाद भाठापारा ग्रामीण में थाना में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी दिनेश को हिरासत में लिया। हिरासत लेकर जब दिनेश पूछताछ की गई तब दिनेश ने बताया 29 तारीख की रात को आसमा का फोन आया था। वो मुझसे शादी करने के लिए कह रही थी। मैंने उसे समझाया कि अभी नहीं करते, मगर वह नहीं मानी। इस बाद मैं रात को ही उसके घर गया, फिर वो मेरे साथ आ गई। हम दोनों बाइक से ही रायपुर जा रहे थे। इस बीच रास्ते में मुक्तिधाम के पास मेरा विवाद हो गया। असल में मुझे शक था कि वो किसी और लड़के से बात करती है, इसलिए मैंने उसने इतना ही पूछा था, लेकिन इसी बात को लेकर हमारा काफी झगड़ा हुआ। आरोपी ने बताया कि झगड़ा इतना बढ़ गया कि मैं राड निकाल कर उसके सर पर ताबड़तोड़ वार कर उसके लहूलुहान अवस्था में वहीं छोड़कर भाग गया था। इसके बाद में मैं घर पर जाकर रह रहा था। युवक इस बयान के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि आरोपी दिनेश गांव में ही सैलून चलाता था, इस वजह से उसकी पहचान आसमा के भाई से हो गई थी। भाई से पहचान होने के कारण वह युवती के घर आया जाया करता था और इसी वजह से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। उधर युवती बलौदाबाजार कॉलेज में BSc की छात्रा थी, अपने घर में सबसे छोटी थी। बाकी भाई बहन की शादी हो चुकी है। उसके पिता की 4 साल पहले मौत हुई थी। फिलहाल पुलिस ने अब इस हत्या मामले में आरोपी युवक दिनेश सेन को गिरफ्तार कर लिया है।